इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को मैं शारदीय नवरात्रि की नौमी तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के जो विभिन्न स्वरूप हैं, नवरात्रि के अवसर पर वर्ष में दो बार सनातन धर्मावलंबी अनुष्ठान के माध्यम से आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के साथ जुड़ता है। बासंती नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि वर्ष में दो बार ये सनातन धर्म की विभिन्न पर्व और त्योहारों की समृद्ध परंपरा की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। शारदीय नवरात्रि का यह नौमी तिथि जगत जननी माँ भगवती की सिद्धिदात्री रूप में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को मैं शारदीय नवरात्रि की नौमी तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के जो विभिन्न स्वरूप हैं, नवरात्रि के अवसर पर वर्ष में दो बार सनातन धर्मावलंबी अनुष्ठान के माध्यम से आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के साथ जुड़ता है। बासंती नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि वर्ष में दो बार ये सनातन धर्म की विभिन्न पर्व और त्योहारों की समृद्ध परंपरा की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। शारदीय नवरात्रि का यह नौमी तिथि जगत जननी माँ भगवती की सिद्धिदात्री रूप में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के रूप में मनाया जाता है। नवमी के इस पावन पर्व के साथ आज पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है वे सब जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों के प्रतीक स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पूजन की एक पवित्र परंपरा भी है और गोरक्षपीठ की इस पवित्र परंपरा के अनुरूप इस कार्यक्रम के साथ इस बार भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन नौ स्वरूपों स्वरूप कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि जो सनातन धर्म की यह समृद्ध परंपरा है यह पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उमंग के साथ पूरे देश के अंदर इस परंपरा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। शक्ति आराधना की प्रतीक आधी आबादी के प्रति सम्मान का भाव रख रहे हैं। भारतीय समाज वैसे भी प्राचीन काल से ही इस बात को मानता रहा है
कि जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। स्वाभाविक रूप से यही मान्यता जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता रही है कि यत्र नारस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर स्वयं दैवीय शक्तियाँ विराजमान होकर के उन मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, और ये हम सब के लिए यह एक गौरव का क्षण है जब हम शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि में 8 दिनों के अनुष्ठान के उपरांत आज कुंवारी कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ यहाँ गोरखपीठ के साथ में जुड़ रहे हैं। यहाँ की एक आदि परंपरा है, सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए हैं, उनका यहाँ पर अभी पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, अब इसके बाद उनका भंडारा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी की पूजन के उपरांत कल विजयादशमी का पावन पर्व भी है। विजयादशमी प्रभु श्री राम का रावण पर विजय के उल्लास का पर्व है। स्वाभाविक रूप से जब शक्ति की साधना होगी तो सिद्धि के रूप में विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। दूसरा, जो समाज अपनी आधी आबादी का सम्मान करेगा, उसका सशक्तिकरण करेगा, वह समाज स्वयं ही विजय श्री को वरण भी करेगा। यह पर्व इस बात की भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग नवरात्रि के नवमी तिथि पर जगज्जननी माँ भगवती के इन पावन 9 स्वरूपों के दर्शन और उनके पूजन के अनुष्ठान के साथ जुड़ रहे हैं, मैं पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान करूंगा कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा कितनी पवित्र और कितनी उदात्त रही है कि उसने हर महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार को समाज को आगे बढ़ने, एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम बनाया है। शारदीय नवरात्रि आधी आबादी के सम्मान का, उनकी सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान कर रहा है। आधी आबादी का सम्मान होगा, उनका सशक्तिकरण होगा, तो समाज स्वयं ही समर्थ और सशक्तिमान और सामर्थ्यमान होगा। भारतीय मनीषा ने वैसे ही नहीं कहा कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये दैवीय शक्तियां वहीं बसेंगी जहां उस प्रकार के अनुकूल वातावरण हो और इस वातावरण के लिए उस प्रकार का माहौल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आधी आबादी स्वयं सुरक्षित हो जाएगी तो पूरे समाज की सुरक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है। और विजयादशमी का ये पर्व कल हम सबको 9 दिनों की इस अनुष्ठान के बाद प्राप्त होने वाली सिद्धि के फलस्वरूप, प्राप्त होने वाली विजय के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की उस समय के त्रेता युग के
एक बलशाली राजा जो अधर्म असत्य का प्रतीक था, अन्याय का प्रतीक था, उस रावण पर विजय का एक उत्सव भी है। और यही कारण है कि पूरे देश के अंदर कल जहां एक और प्रभु श्री राम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी रामलीलाओं के माध्यम से प्रभु राम के राज्याभिषेक के आयोजन के साथ जुड़ेगा, उनका अनुष्ठान के साथ जुड़ेगा, वहीं दूसरी ओर रावण के पुतले भी दहन करने का एक लंबी परंपरा इस अवसर पर हर सनातन धर्मावलंबी की परंपरा में देखने को मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों को आदि शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े हुए इस पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की नौमी तिथि पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ, विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि माधी आबादी को सामर्थ्यवान बना करके उनके सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा करते हुए अगर हम सब मिलकर के कार्य करेंगे तो अवश्य ही हमारा भारतीय समाज, हमारा प्रदेश एक समर्थ प्रदेश के रूप में उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जो प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने में सक्षम होगा। पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं।